प्रणता स्मतां अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा माता की जय। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होकर जगत की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर जगत का पालन और संहार करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में श्री दुर्गा माता के अनेक नाम और रूपों का वर्णन मिलता है। इस संसार में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा माता का यूं तो हर नाम और स्वरूप बड़ा ही मंगलकारी है, मगर नवरात्रि के समय जिन नौ रूपों की पूजा की जाती है, माता के वो रूप सहज ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब हम सभी भगवती दुर्गा माता के चरण कमलों की वंदना करके श्री दुर्गा सप्तशती की गाथा सुनते हैं। संपूर्ण जगत में व्याप्त, संपूर्ण जगतधारी, नित्य रूपा और अजन्मा है।
लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अनेकों रूपों में प्रकट होती रही है। पुराणों के कथा अनुसार एक युग के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब समस्त विश्व के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस मधु और कैंटव उत्पन्न हुए। वो विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी को उन असुरों के विचारों का आभास हुआ, तो वो एकाग्रचित होकर भी उनके नेत्रों में निवास करने वाली विश्व की अधीश्वरी, सृष्टि काल में जीवों की सृष्टि करता और प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बनाने वाली योग निद्रा स्वरूपिणी भगवती देवी का स्मरण करने लगे। स्तुति पूर्ण होते ही तमोगुण की स्वामिनी महादेवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। जागते ही उनकी नजर मधु कैंटव पर पड़ी। वो दोनों दुरात्मा अति बलवान और पराक्रमी दिखाई दे रहे थे। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल दिखाई पड़ रही थी। वो ब्रह्मा जी को मारकर खा जाने वाली नजर से घूर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर दोनों के साथ बाहुयुद्ध करने लगे, जो 5000 वर्ष तक चलता रहा। तब महामाया भगवती देवी ने उन दोनों बलवान दैत्यों को अपने माया जाल से भ्रमित कर दिया। वो भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो भी चाहो वरदान मांग लो। मौके का फायदा उठाते हुए श्री हरि ने कहा,
यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। श्री हरि के वचन सुनकर मधु और कैंटम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने अपने चक्र द्वारा उनका अंत कर डाला। इस प्रकार महामाया देवी ने ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा की। महिषासुर और महादेवी जगदम्बा के महासंग्राम का वृत्तांत सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है, देवताओं और राक्षसों में महाघोर संग्राम हुआ जो वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। इसमें देवताओं की हार और असुरों की विजय हुई। सभी देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। वो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव शंकर और विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत सुनाया और विनती की, हे प्रभु, अब हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की कहानी सुनकर भगवान विष्णु तथा महारौद्र शिव शंकर की भौहें तन गईं, चेहरा तमतमा गया, आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भड़कने लगी। उसी समय श्री विष्णु जी के मुख से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी अलौकिक तेज प्रकट हुआ। ये समस्त देवताओं का तेज एक साथ मिलकर भयंकर आग की लपटों का एक पहाड़ दिखाई देने लगा। इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। थोड़ी ही देर में वो तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए और सभी देव अपनी अपनी शक्तियां उस देवी को समर्पित करने लगे। माता सुन लो सब
जब महादेवी जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर पूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया, जहां पर रणचंडी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढक कर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। सभी दैत्य अस्त्रों और शस्त्रों से महादेवी को मार डालना चाह रहे थे। भगवती परमेश्वरी कुछ देर तक उनके साथ अस्त्रों शस्त्रों का खेल खेलती रही, फिर अचानक उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। तब महादेवी का श्रेष्ठ वाहन शेर किसी जंगल में लगी आग की तरह दानव सेना में विचरण करने लगा। महादेवी भगवती के गणों के आगे मच्छर के समान नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में महादेवी जगदम्बा ने दानवों की विशाल सेना का सफाया कर दिया। आकाश में खड़े देवता जगदम्बा माता का जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। अपने महाबली सेना नायकों को और विशाल सेना का महाविनाश करते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उनकी सांसों की वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया, जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा तो उसे पास में बांध लिया। तभी अत्यंत क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका देवी मधु का पान करने लगी। उस समय बल और पराक्रम के नशे में मदमस्त राक्षस अपने सींग से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महादेवी के ऊपर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महादेवी जगदम्बा ने उसके द्वारा फेंके गए पहाड़ों को बाणों से काटते हुए कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तू खूब गरज ले, थोड़ी देर बाद मारा जाएगा, तब सभी देवता गर्जना करेंगे। बार बार मधु का पान करने से जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गई तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ वो महादैत्य चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता धरती पर उतर आए और महादेवी की जय जयकार करने लगे।
मर्दिनी भगवती नमस्कार तुमको, जय हो दुर्गा गौरी चंडिका नमस्कार तुमको, सतो गुणी रज गुणी तमो गुणी नमस्कार तुमको, दैत्य नाशिनी मंगल करनी नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य चंद्रमा वरुण यमराज और कुबेर के समस्त अधिकार छीन लिए। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्रित हुए। तब उन्हें जगदम्बा देवी का वो वरदान याद आया जो महिषासुर वध के बाद स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं को दिया था। तब देवी ने कहा था, कभी भी आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इसीलिए सभी देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब ये देवता हिमालय पर स्तुति में मग्न थे, तभी माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। वो देवताओं से बोली, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के ही शरीर से एक अति अनुपम परम सुंदर देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्य से पराजित ये सभी देवता मेरी स्तुति में लीन हैं। जगदम्बा कौशिकी देवी को जब देवताओं ने देखा तो उनकी वंदना करने लगे। भक्ता
देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी वहां पर प्रकट हो गई। थोड़ी ही देर बाद वहां पर चंड और मुंड नामक दो दैत्य आ पहुंचे। उन्होंने माता कौशिकी देवी को सुंदर स्त्री के रूप में हिमालय पर विचरण करते हुए देखा। फिर वो तत्काल ही दैत्यराज शुंभ के पास पहुंचे और बोले, हे महादैत्य, जब सारे ही उत्तम रत्न आपके अधिकार में हैं, तो इस सुंदर स्त्री रूपी रत्न को क्यों छोड़ रखा है? इसे भी अपने अधिकार में ले लीजिए। चंड और मुंड की बातें सुनकर असुरेश्वर शुंभ ने सुग्रीव दैत्य को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा। हिमालय पर जाकर सुग्रीव देवी से मिला और बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा को टालने का साहस देवताओं में भी नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी उनके अधिकार में है। मैं उनका दूत हूं, उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें लेने आया हूं। उनका वरण करने से तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। उनकी अनुकंपा से तुम तीनों लोकों की पूजनीय बन जाओगी। दूत की बातें सुनकर कल्याणमयी भगवती दुर्गा जी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, हे दूत, तुम्हारे वचन सत्य हैं, अच्छे हैं, मगर मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। देवी की बातें सुनकर दूत बोला, जैसे तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर मेरे पास आए हो, वैसे ही मेरा संदेश भी उनके पास तक पहुंचा दो, फिर जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। संदेशवाहक सुग्रीव दैत्य वापस शुंभ के पास आया और अक्षर सह सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। देवी द्वारा कहे गए वचन सुनकर शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ
और दैत्यों के सेनानायक धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि तुम अभी अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। अगर उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे मार डालना। तब धूम्रलोचन दैत्य 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय पर्वत पर भगवती देवी के सामने पहुंचा और ललकार कर बोला, हे सर्वांग सुंदरी, तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास चल, नहीं तो तुझे मैं बलपूर्वक घसीटते हुए उनके पास ले जाऊंगा। तब महादेवी भगवती ने कहा, तुम्हें दैत्यों के महाप्रतापी राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बहुत बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, मैं तुम्हारा बिगाड़ ही कह सकती हूं, लेकिन मैं युद्ध में परास्त होने के बाद ही कहीं जा सकती हूं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। देवी की बातें सुनकर क्रोध से भरा हुआ धूम्रलोचन महादेवी की ओर तलवार लेकर दौड़ा। तभी अंबिका देवी ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर डाला। फिर थोड़ी ही देर में उसकी विशाल सेना भी तहस नहस कर डाली। धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार सुनते ही दैत्यराज शुंभ ने चंड और मुंड नामक दो दैत्यों को एक विशाल सेना के साथ भेजा और आज्ञा दी कि उस दुष्टा को बांध करके घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। चंड और मुंड विशाल सेना के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां महामाया अंबिके सिंह पर बैठे हुई मुंद मुंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही दैत्यों ने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू कर दिए। कालिका देवी ने असुरों की सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना के विनाश से क्रोधित चंड ने देवी पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की तथा हजारों हजार चक्र चलाकर भयानक रूप धारिणी देवी को ढक दिया
तब बाण और चक्र कालिका देवी के मुंह में समाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे करोड़ों सूरज बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। फिर भयंकर अटहास के साथ महादेवी कालिका एक बड़ी तलवार हाथ में लेकर हुँ का उच्चार करते हुए चंड पर झपटी, उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी को मारने के लिए आ पहुंचा। तब अत्यंत रोष में भरी हुई देवी कालिका ने उसे भी तलवार के घाट उतारकर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर भय से व्याकुल बची हुई असुरों की सेना भाग खड़ी हुई। सेना बहुत ही विशाल थी। जगदम्बा देवी के चारों ओर दैत्य ही दैत्य नजर आ रहे। जैसे भयंकर तूफानी नदी का पानी सागर में समा जाता है, वैसे ही दैत्यों की सेनाओं के दल विजया देवी के मुंह में समाते जा रहे थे। आकाश में खड़े देवता इस दृश्य को देखकर अपने मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे थे। जब दैत्यों के सेना नायकों ने अपनी सेना को यूं काल का ग्रास बनते देखा तो उन्होंने सभी दैत्यों को दूर रहकर देवी पर अस्त्र शस्त्र को चलाने का आदेश दिया। तब कालिका देवी के शरीर से निकलकर कई अन्य देवियां बाहर आईं। उधर आकाश में खड़े हुए देवताओं की शक्तियां भी देवी का स्वरूप धारण करके दैत्यों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आईं। तब देवाधिदेव महादेव शिव शंकर ने आकाश से घोषणा की, हे दैत्य, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो युद्ध का मैदान छोड़कर पाताल में जाकर छुप जाओ। यदि बल के घमंड में युद्ध करोगे तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। भगवान शिव के वचन सुनकर वे सभी महादैत्य क्रोध में आकर सभी देवताओं पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगे और देवियां भी खेल ही खेल में दैत्यों द्वारा चलाए गए शस्त्रों को काटने लगी। अचानक कालिका देवी के शरीर से एक महाचंडिका देवी का
रूप प्रकट हुआ। सेना में हाहाकार मच गया। अधिकांश सेनापति भी मारे जा चुके थे। दैत्यों की सेना युद्धभूमि से घबराकर भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर इंद्र शक्ति के सामने आया। तब ऐंद्री देवी ने वज्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब रक्तबीज के शरीर से निकला खून धरती पर बहने लगा, जिससे हजारों हजार रक्तबीज पैदा हो गए और सभी देवियों से युद्ध करने लगे। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। सभी देवी शक्तियां उन रक्तबीजों का संहार कर रही थी, मगर वो जितने रक्तबीजों को मारती थी उससे कई हजार गुना नए रक्तबीज और पैदा हो जाते थे। थोड़ी ही देर में सभी देवियों के चारों ओर रक्तबीज ही रक्तबीज नजर आने लगे। इस विकट परिस्थिति को देखकर आकाश में खड़े देवता भी भयभीत होने लगे। देवताओं को उदास देखकर महाकाल चंडिका ने कालिका देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और ज्यादा फैलाओ, मैं इन रक्त बीजों का संहार करूंगी। तुम उनके शरीर से निकलने वाले रक्त का भक्षण करती रहना। इस प्रकार चंडिका देवी ने रक्त बीजों के रक्त से उत्पन्न हुए करोड़ों करोड़ रक्त बीजों का संहार करना प्रारंभ कर दिया और कालिका देवी मारे गए रक्त बीजों के रक्त का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कुछ देर भयंकर युद्ध के बाद मैदान में देवी के सामने अकेला रक्त बीज युद्ध करता हुआ नजर आने लगा। तब चंडिका देवी ने शूल से उसका भी प्राणांत कर दिया। उसके शरीर के सारे रक्त को कालिका देवी चट कर गई।
का वार किया। जगदम्बा ने उसको अपने चक्र से काट दिया। लेकर हाथों में गदा असुर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने अपने त्रिशूल से उस गदा को भी तोड़ा। ये शुंभ की देवी के आगे एक न चल पाया। देवी चंडिका द्वारा छोड़े गए बाण समूहों से घायल निशुंभ भी रण में धाराशायी हो गया। महाभयंकर रक्तबीज और महाबली निशुंभ के मारे जाने के बाद दुर्लभ असुरों की प्रधान सेना के साथ महातेजस्वी शुंभ अलौकिक रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से रणभूमि पर आया। उसकी 8 भुजाएं अनुपम आयुधों से सुशोभित थी। उसे देख महाचंडिका देवी ने शंखनाद किया। तब क्रोधित होकर शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान उस शक्ति को महादेवी ने अपनी शक्ति से दूर हटा दिया। तब शुंभ ने ऐसा सिंहनाद किया जिससे तीनों लोक थर्रा उठे। फिर निशुंभ त्रिशूल हाथ में लेकर देवी पर झपटा। तब महादेवी चंडिका ने देवताओं को पीड़ा देने वाले उस महादैत्य की छाती को अपने त्रिशूल द्वारा रौंद डाला। शूल से घायल होने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस पुरुष की बात सुनकर महादेवी बहुत जोर से ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। इस प्रकार निशुंभ मारा गया। तभी शुंभ फिर से जीवित हो उठा। वो अपने प्राणों से प्यारे भाई को अत्यंत भयानक दैत्यों के साथ मरा हुआ देखकर बोला, हे दुर्गे, तू दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ रही है, अगर तुझ में शक्ति है तो अकेले ही मेरे साथ युद्ध कर। तब सिंहवाहिनी दुर्गे ने कहा, ओ दुष्ट, इस संसार में मेरे सिवा कोई और शक्ति नहीं है, ये सब तो मेरी विभूतियां हैं। तू देख अपनी आंख खोलकर। तब देखते ही देखते समस्त देवियां अंबिका देवी के स्वरूप में लीन हो गई। फिर देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहां उपस्थित थी, अब मैंने सभी रूपों को समेट लिया है, मैं अकेली खड़ी हूं, तू मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार महाबली शुंभ तथा अंबिका देवी के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। भयंकर बाणों के तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों का प्रहार दोनों ओर से होने लगा। अंबिका देवी ने उस असुर के सभी अस्त्र शस्त्र काट डाले। उसके दिव्य रथ को भी सारथी और घोड़े के साथ तहस नहस कर दिया। सभी सिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता लोग इस युद्ध को आश्चर्य से देख रहे थे। बहुत देर तक यह युद्ध चलता रहा। आखिर अंबिका देवी ने उस पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार महादेवी जगदम्बे ने देवताओं को शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से मुक्त किया। आकाश में खड़े देवता भी जमीन पर आ गए और कहने लगे, हे जगदम्बा, हे जगदम्बे, तुम्हारी जय हो, हे अंबे माता, तुम्हारी जय हो। जय वाराही, जय देवी अंबिका।
दुर्गति नाशिनी माता हम पर कृपा।